ये क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप बहुत ही हेल्दी सूप है। ये ग्लूटेन फ्री और वीगन सूप है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये ग्राउंड नट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया है, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये ऑर्गेनिक ऑयल है। गैस चलाएंगे, गैस को सिम पे रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डालेंगे। गैस को मीडियम पे रखना है। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज को भूनते 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन्हें हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे। जब तक प्याज और लहसुन भुना जा रहा है, तब तक हम ब्रोकली के छोटे पीसेस काट लेंगे। ये हमने पहले ही छोटे काटे हुए हैं इसका, लेकिन एक स्टेम हमने आपको बताने के लिए रखा है कि इसमें ये स्टेम भी डाल सकते हैं। अगर तो ये स्टेम हार्ड होए तो इसका ये साइड का छिलका ऐसे छील के उतार सकते हैं। अगर सॉफ्ट है तो उसके ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस काट के भी डाल सकते हैं, इसे फेंकना नहीं। ये भी इसमें डाल देंगे छोटे टुकड़े करके। इसको छोटे टुकड़ों में इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी देर से गलता है। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है और लहसुन भी भुना जा चुका है, हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें ये कटी हुई ब्रोकली डाल देंगे। ये ब्रोकली हमने 100 ग्राम ली है, काट के इसका वजन 100 ग्राम है। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। अभी इसको 2-3 मिनट ऐसे ही सॉटे करेंगे। ब्रोकली को सॉटे करते 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाती। अब इसे ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ब्रोकली को रखे 7-8 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं कि गल गई है कि नहीं। ये देखिए ब्रोकली पूरी तरह से गल चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने 1/3 कप काजू लिए हैं, इन्हें गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। देखिए ये काफी नरम हो चुके हैं, अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। नरम होने से इनकी फाइन पेस्ट बनती है और स्मूथ पेस्ट बनती है। ये हमने 1 कप पानी और लिया है, लेकिन काजू में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। काजू का स्मूथ पेस्ट बना लिया है, अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो थोड़ा सा जार में लगा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बार मिक्सर चला के इसको भी निकाल लेंगे। ये भी इसमें डाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। ब्रोकली ठंडी हो चुकी है, अब इसे भी ग्राइंड करके इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। ये पानी भी जो बचा था इसमें साथ में ही डाल दिया है, और लगेगा पानी तो और डाल लेंगे। ब्रोकली की फाइन प्यूरी बन गई है, इसमें हमने और पानी ऐड नहीं किया। अब इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। अब ये काजू का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। काजू को ग्राइंड करने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, ग्राइंड करने के लिए 1/2 कप पानी लगा है, जो आधा बचा है वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
नमक स्वाद अनुसार, ये हमने सेंधा नमक लिया है या हाफ टी स्पून, वन फोर्थ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस चलाएंगे, गैस को मीडियम आंच पे रखना है और इसे उबाला आने देंगे। अगर उबाला आने के बाद थोड़ा सूप गाढ़ा लगे तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये ठीक है, इतना काफी है। लगातार स्टर करेंगे। सूप में उबाला आ गया है, ये देखिए काफी थिक हो गया है। अब गैस बंद करेंगे और इसे बोल में डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। तो इन सर्दियों में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।